अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे, आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, एक राउंड में, दो राउंड में, तीन राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं, उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं, उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं, उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं, फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा, तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे बाकी। एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसर शाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया, भाई आ तो हम ही रहे हैं तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, एआरओ, सब आरओ, सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चौकन्ना रहना है। बाद में हम कहते रहे इन्होंने ये कर दिया उसका कोई फायदा नहीं होगा, अभी अपने को चौकन्ना रहना है। एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कली बगावत शुरू हो जाती, 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं, ये माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं आपको डिस्करेज करने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए। बिल्कुल नहीं जाना आप इस उससे, जाओ कि आप जीत रहे हो, आप अपने उस कॉन्फिडेंस से जाओ कि आप जीत रहे हो, और आखिरी तक आपको बैठे रहना है, किसी भी हालत में बैठे रहना है आपको। हमें हर एक को लड़ना पड़ेगा, ये चुनाव किसी पार्टी का या किसी नेता विशेष का नहीं है, ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है, इस देश में जनतंत्र को बचाने के लिए है। जिसके लिए भगत सिंह, गांधी जी सब लोग लड़े थे, वही माहौल आज है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को हटाया था, आज इस सत्ता को अपने को हटाना है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।